हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 28 फरवरी 2022 के दिन AKTU की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है नोटिस के रूप में। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसके लिए भेजी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से संबद्ध जितने भी संस्थान हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस की अगर विषय की बात करें तो भाइयों, विषय दी गई है सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर के समस्त प्रथम सेमेस्टर एवं बीटेक या बी फार्मा पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में कराए जाने के संबंध में। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ऑफलाइन मोड में होगा और साथ में डेट भी बताया गया है, तो आप सभी लोग भाई बने रहिए इस वीडियो के साथ में। देखते हैं विस्तार से बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए उपयुक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या। यहाँ पर पत्र संख्या दिया गया जो कि दिनांक 11 जनवरी 2022 को जो है जारी की गई थी, तो इसका जो संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर के समस्त प्रथम सेमेस्टर एवं बीटेक एवं बी फार्म पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर की प्रयोगात्मक या फिर प्रोजेक्ट परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में दिनांक 7 मार्च 2022 से दिनांक 14 मार्च 2022 के मध्य आयोजित कराई जाएगी। दोस्त, इस नोटिस की मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, आप लोग देख लीजिए। ऑफलाइन मोड में जो है दिनांक 7 मार्च 2022 से लेकर के दिनांक 14 मार्च 2022 के बीच में आप लोगों की प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षा जो है वो कराई जाएगी ऑफलाइन मोड में। इसके बाद में दिया गया है एवरीवन प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षा कराने के लिए परीक्षकों की जो ड्यूटी की सूची है उस संस्थानों के ERP लॉगिन तथा संबंधित शिक्षकों के लॉगिन में भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अतः उपरोक्त के संबंध में अनुरोध है कि संबंधित परीक्षकों या शिक्षकों से संपर्क कर छात्रों के हित में प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षा ऑफलाइन के माध्यम से संबंधित गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्था कराने का कष्ट करें तथा प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट परीक्षा के प्राप्त अंकों को ERP पोर्टल के पर जो है अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी समस्त कार्यवाही एवं प्रपत्रों को विधिवत सुरक्षित रखें ताकि विश्वविद्यालय में समय समय पर आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, कृपया उक्त के तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यहाँ पर नीचे सिग्नेचर दी गई है प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी परीक्षा नियंत्रक सर का। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इस नोटिस में यही था। आशा है आप लोगों को यह नोटिस समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भाई कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी लोग यार सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट वगैरह को पाते रहने के लिए। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।